हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पारुल ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, खाना हमारा बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पारुल पापा भेजने गए हैं। देख सकते हैं खाना बना चुके हैं, लेकिन आग अभी भी जल रही है हमारी, सेक रही हूँ हाथ। दिखाती हूँ, 9:30 बज चुका है, फिर भी अभी मौसम इस तरह हुआ है, कोहरा ही कोहरा है। पास के भी लोग न कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ दोस्तों, ये है चावल और ये हमारी रोटी, इसमें है आलू बैंगन टमाटर की सब्जी और ये दोस्तों है मट्ठा। बगल की एक काकी लगती है तो उनकी भैंस दूध देती है, तो उन्होंने आज मट्ठा भी दिया है। पारुल को बहुत पसंद है मट्ठा, तो मट्ठा नमक और रोटी खा के पारुल चली गई स्कूल। अब हम जा रहे हैं खाने दोस्तों, जिसको जिसको खाना हो आ जाए। पारुल पापा भी खा चुके हैं, सब लोग खाना खा चुके हैं। तो गांव में दोस्तों सभी के यहाँ जो है लगभग लगभग सुबह में ही बन जाता है, वही लंच होता है, वही सुबह में खाते हैं, दोपहर में भी वही नाश्ता, वही लंच होता है। गाँव में ऐसे ही होता है सभी के घर में। अभी ठंडा है, इस वजह से चाय भी बन जाती है, नहीं तो गर्मी में तो चाय भी नहीं बनती सभी के घर में, किसी किसी के घर में बनती है बस। नहीं तो गांव में दोस्तों ऐसे ही होता है, काम ज़्यादा होता है और सुविधाएं कम होती है खाने की। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बने रही अभी हमारे वीडियो लोग। दोस्तों अभी 11:30 बजने वाले हैं, हम सारा काम कर चुके हैं और बाहर दरवाजे पे एक सांप दिखाने वाले आए हैं, तो अभी आप सभी को दिखाऊंगी बैक कैमरे से। देख सकते हैं अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब है, तो चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ आप सभी को बैक कैमरे से। सांप दिखाने वाले आए हैं, ठंडा आज काफ़ी है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा सा सांप है। तो दोस्तों जो सांप दिखाने वाले आए थे वो चले गए, अब उसे पूरा निकलवाती देखने के लिए, लेकिन ठंड काफ़ी थी तो जो है उसको भी ठंड लगती जानवर है ना, इसी वजह से जो है बाहर नहीं निकलवाए। और ठंड में भी अब पेट के लिए दौड़ना पड़ता है सभी को। तो सांप दिखाए तो उसके बाद जो है हम एक कटोरी आटा दिए, अगल बगल के सभी लोग थोड़ा थोड़ा कोई चावल कोई आटा सभी लोग दिए थे, तो चले गए। अभी जो है 2 बज रहे हैं, काफ़ी देर बाद मोबाइल उठाई हूँ, तो 2 बजे के बाद ही देख लीजिए हल्का हल्का धूप निकला हुआ है, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। मैम का ड्रेस उतार दी हूँ, देख सकते हैं अभी खा रहे हैं मैम खाना पीढ़े पे बैठ के। पारुल नीचे गई हैं, अभी वो बोल रहे हैं भूख नहीं है, दूध जो रखी थी चूल्हे में गर्म होने के लिए हम दोनों बच्चों को और मैं पी ली, मैं दे दी हूँ और मैं भी पी चुकी हूँ। तो अभी ये लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद जो है यहीं पे खेलेंगे, फिर हम जाएंगे खेत, कुछ काम है आप समझ सकते हैं। इस समय खेत में इतना काम पहले नहीं रहता था, लेकिन अब जानवर काफ़ी हैं, घूमते रहते हैं तो जाना पड़ता है डेली खेत। तो अभी खेत जाऊंगी, फिर वहाँ पे थोड़ा काम है, लकड़ी उकड़ी काटना है, ठंड है तो समझ सकते हैं लकड़ी भी काफ़ी लगती है घर में तापने के लिए भी और खाना बनाने के लिए भी, तो वैसे लकड़ी काटूँगी, काट के लेके आऊँगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, हमें भी सपोर्ट करिए, कभी नहीं बोली, आज पहली बार बोल रही हूँ इस वीडियो में। तब तब हम भी अपना पहचान बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए
यूट्यूब पे आई हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो बच्चा भी खाना खा लेंगे फिर हम जाएंगे। मम्मी अब तब तबला स्कूल में तब तबला रहा। मयंक है बता रहे हैं कि स्कूल में आग जलाए थे इनकी मैम, मैम सर दोनों हैं, सब लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वही बता रहे हैं कि आग वहाँ फिर पर भी जल रही थी, क्योंकि आज काफ़ी ठंड थी इसी वजह से स्कूल में भी हाथ वाथ सेकने के लिए जलाए रहे हैं। तो ठीक है, कुछ देर बाद दोस्तों आप सभी से फिर मिलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों अभी शाम होने वाली है, तो गए थे हम और मयंक गए थे खेत लकड़ी काटने, लकड़ी काट के ला के नीचे रख दिए हैं तापने के लिए। नीचे में रखी हुई है तो नीचे काट के रख दी हूँ, अभी आग जलाऊंगी, हाथ मुंह धो ली हूँ। तो वहाँ पे खेत गई थी तो दोस्तों बगल में एक चाची लगती हैं, तो उनके खेत में हरा हरा साग था तो दी है बनाने के लिए। देख सकते हैं ढेर सारी हरी धनिया और ये हरी वाली प्याज, हम लोग इसे सागा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे सागा भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका पकौड़ी बनाओ वो भी अच्छी लगती है, और इसकी आलू में डाल के सब्जी बनाओ वो भी अच्छा लगता है। तो देखेंगे सुबह में इसका क्या बनाते हैं, तो जो बेसन लाएंगे तो पकौड़ी बनाएंगे, नहीं तो फिर जो है साग ही बना लेंगे। अभी देख सकते हैं दोपहर का जो बर्तन वर्तन था, बच्चे आए थे स्कूल से, उनका टिफिन विफिन सब धुल दी हूँ, इधर चूल्हा भी साफ कर ली हूँ सुबह में, क्योंकि हाथ बहुत ठंड हो जाता है। देख सकते हैं आज भी कोहरा पड़ रहा है अभी से, तो अभी शाम ही हो रही है लेकिन कोहरा पड़ रहा, लगता है कल भी काफ़ी मौसम गड़बड़ रहेगा। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मैं देखो लाइट भी आ गई दोस्तों, खंभे पे लाइट लगी है ना, प्रधान द्वारा लगवाते हैं जो गांव में, वही लगी है तो जल रही है, काफ़ी उजाला हो गया, हमारे घर में नहीं है लाइट। अभी नीचे में एक जल रही है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहें।